जो है मेहनाज बोल के है, 7 साल उम्र का है ये, सोफिया रिजवान मस्जिद में जो है वो अरबी पढ़ रहा है। उनको जो है मालापल्ली में रहते हैं, उनका वालदा और वालिद जो है शाहीन बेगम और मोहम्मद रियाज है, इनको 4 बच्चे हैं। वो लोग घर में एक साथ रहते हैं, तो बच्चा जो है सुबह मदरसा को जाके पढ़ के फिर वापस आते हैं। तो इनको जो है उनका बस्ती का सोहेल बोल के एक बच्चा जो है उनको मोटरसाइकिल में लेके जा रहा था, तो वो दे हम लोग को यह किडनैपिंग का कंप्लेंट जो है 31 को हमारा को कंप्लेंट आया था। इमीडिएटली हम लोग जो है CCTV फुटेज देखे तो एक बच्चे के संगत नॉन पर्सन के साथ सोहेल के साथ जा रहा था। तो वो TS16FH435 उधर गाड़ी में गया और सोहेल को पहचान के उनके इंटरागेशन करके दूसरे किसको दिए क्या दिए बोल के मालूम हुए, तो उसको शेख आबिद और शबाना बेगम जो है मालापल्ली में रहते सॉरी आटोनगर में रहते, वो लोगों को ये बच्चे को बेचे से है। तो उसके संगात फिर गैंग रिंग कौन है बोल के पूरा हैदराबाद का हम एक टीम स्पेशल टीम फॉर्म करे, रमेश एस आई और इंस्पेक्टर जॉब जो है ACP साहब के सुपरविजन में कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस में पूरा टीम बना के इसको 3 दिन के अंदर बच्चे को जो है किडनैप्ड बच्चे को जो है रिकवरी करके उनके पेरेंट्स जो है शाहीन बेगम को और मोहम्मद अयाज को हैंड ओवर कर दिए। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा जो है नॉन पर्सन जो बाजू में रहता वो सोहेल के संगत तो गया, उनके संगत जरा उनके आने जाना है तो एक ही बस्ती में रहता, अचानक क्या बोल के बच्चा उनके संगत गया, तो उसके बाद उनको दूसरे लोगों को बेचे सो गए, ये 3 लाख रुपये में बेचे। सोहेल को जो है 70,000 रुपये दिए और ये शेख आबिद और शबाना बेगम को जो 1,70,000 ले लिए, और हैदराबाद में एक जरीना बोल के है उनको 10,000 और आलिया बोल के है उनको भी थोड़े पैसे दिए। इसको कौन कौन कितने लोगों को इन्वॉल्वमेंट है क्या पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे पहले भी दूसरे जगह में दूसरे मुकाम पे ये गैंग कुछ बच्चों का किडनैप कर रहे क्या बोल के वो भी एंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें क्या बोले तो बच्चा जो है बहुत तेज है, ये मेहनाज बोल के बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो शार्प है, उसके बाद से इनको सेलेक्ट करके किडनैप करे जैसा दिख रहा है। ये सोहेल जो किडनैप करा वो भी एक ही बस्ती का है। इसमें हमारे लोग हमारा विनती क्या है बोल तो आजकल जो है पहचानत के नहीं बाहर के लोग नहीं पहचानत के लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग भी आपके बच्चों को फोन किसके संगत जा रहे हैं क्या किधर जा रहे हैं उनके ऊपर जरा एक नज़र रखे तो अच्छा रहेगा। क्यों बोले तो फिर मालूम ऐसा आदमी भी लेके जाके ऐसा बेच रहे तो ये बाहर गिर गए तो फिर मुश्किल होता था पकड़ने में। हैदराबाद में है बोल के विद इन द स्टेट में बोल के इमीडिएटली 3 दिन के अंदर पकड़ लेके मुजरिमों को पकड़ के और माँ बाप को बच्चे को हैंड ओवर कर दिए। शुक्रिया।